बिहाने बिहाने के वही अंगना में जहां आज की अतिथि कलाकार बानी दिवाकर द्विवेदी, जिनकर आवाज सुन के कितना हसीना तैयार रहेली चल जाए खातिर रुपेदी। देखो भाई, आपसे बात करनी है समझ के कैसेट तक, लेकिन कैसेट तक पहुंचे में कितना मेहनत बा, कितना दिक्कत बटे। ये हम चाहे आप संघर्ष के दिन के कुछ बात बताएं। अब इस चीज को श्रोताओं को तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, आप भी जानते होंगे कितना स्ट्रगल होता है कलाकार के लिए यहाँ पहुँचने के लिए। आज हम आपके सामने बैठे हैं, इसके पीछे कितना मेहनत करके यहाँ आए हैं। बचपन से शौक रहा, उसके बाद जब बाबा जी स्नायर कर गए, स्कूली जीवन खत्म हुआ, बालेश्वर जी के साथ ये आने के पहले जिस मंच पे जाते थे लोग भगा दिया करते थे, भागो भागो भागो, गरीबी स्थिति में थे, कोई ठीक ठाक से रहन सहन पहनाव ओढ़ावा भी नहीं था, तो भगा दिया करते थे, नहीं तुम्हें नहीं जाने देंगे, इस तुम सिलाई नहीं है, तुम्हारा कपड़ा लगता उस ढंग से नहीं है। खैर दिवाकर जी, आज ये बात बताएं कि आज महुआ के मंच के द्वारा आपको पूरा दुनिया देखा था, आज आपके कैसा लगता है, ये वक्त का लगता है, आप जीत गए? बिल्कुल जीत गए, जीते हैं। बहुत बड़ा मंच हुई और हर कलाकार के नसीब होके हमारे भगवान से प्रार्थना। आप एकदम अपना मूड के बदली, आंख के आंसू के गायब करी, रोमांटिक गीत लेके आप तैयार हो जाएंगे। एक मेरी प्यार से जी जाती।
हम लेकिन लड़की के बारे में सोचे था नहीं कि कोनो फायदा के मतलब बहुत फायदा के बाद हर लड़की के का इतना घाटा बा। अरे कश्मीर के टिकट लेना, एरोप्लेन के टिकट लेना, सवेरा के चाबी लेना, सारा जींस उन सब खरीदवा ला, कम के दीजा चलता टाटा घर के चलता जी बा। लेकिन दर्शक लोग चले गए यहाँ से मेरे के साथ, हमने सबने सामने आ गए मैंने पंडित जी। और पंडित जी से हमने क्या आज के अपना अपना राशि कुंडली के हिसाब से दिन भर